हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं माया कड़े फिर एक नए वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक क्या है। ये बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक है आपके। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को हिंदी में कहते हैं वैद्युत कण संचलन। क्या होता है? सामान्य डीएनए खंडो को शुद्ध करके अलग करने को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक काम में लेते हैं, यानी कि डीएनए खंडो को शुद्ध करके अलग करना। इसमें किसी वस्तु को विद्युतीय अनुप्रयोग द्वारा चयन करके अलग करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम जो है एक एनालाइज्ड मेथड होता है ये। इसमें दो तरह के जेल काम में लेते हैं, एग्रो जेल और पॉली एक्राइलेमाइड जेल। डीएनए खंड जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इनको पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ प्रेशराइज किया जाता है माध्यम में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करके। डीएनए खंड है उनको एनोड की ओर ले जाया जाता है। जेल अणुओं में छिद्र होते हैं जो मॉलिक्यूलर सीव्स की तरह कार्य करते हैं, यानी चलने की तरह कार्य करते हैं। डीएनए खंडों को स्टेन किया जाता है और विद्युत प्रवाह किया जाता है, और इसीलिए आकार के आधार पर जो डीएनए खंड है कुछ तेज गति से और कुछ धीमे गति से जो है गति करते हैं, और गति करने के बाद ये बैंड्स के रूप में अलग हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? ये बैंड्स के रूप में अलग हो जाते हैं। बाद में इसको स्टेन किया जाता है और यूवी प्रकाश में उद्भासित करते हैं, जिससे जो डीएनए खंड है वो चमकीले नारंगी रंग के दिखाई देने लगते हैं। इस तरह से जो है डीएनए खंडों को शुद्ध करने की टेक्निक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके गाइस, थैंक्स।